एक दिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए। कौन आए? जिब्राइल आते रहते थे। आए, कहा कि अल्लाह ने कहा आपकी बेटी का निकाह होना है। कौन बेटी? फातिमा। सच बताओ, हमारे ये मुहर्रम महीना है, हमारे नबी को फातिमा से बहुत मोहब्बत। अरे मैं कसम खाकर कहूं, कोई बाप अपनी बेटी से वो मोहब्बत नहीं करता होगा जो अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे। ये हम जितने बैठे हैं, सच बताओ, हमारी बेटी ससुराल में जाती है, कितनी मर्तबा मिलने जाते हो? कितनी मर्तबा मिलने जाओ? कोई हफ्ते में एक मर्तबा जाता होगा, कोई हफ्ते में दो मर्तबा जाता होगा, कोई सुबह शाम जाता होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, रोजाना अपनी बेटी से मुलाकात को जाते थे, और सफर में जाते थे आखिरी मुलाकात बेटी से होती थी, सफर से आते थे तो पहली मुलाकात बेटी से किया करते थे। और इससे बढ़कर ये भाई कौन कौन ऐसा होंगे हमारे नबी जो मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بذات مني من آذانا فقد آذاني ومن أرابها فقد أرابني। हमारे नबी ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, फातिमा तो मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने फातिमा को गम दिलाया उसने मुझे गम दिलाया। जो अब्बा और बेटी फातिमा में इतनी मोहब्बत थी, और अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है फातिमा का निकाह करना है। बोलो, फातिमा का निकाह होना है। तो अल्लाह के रसूल पाक सासब रोए, अल्लाह मेरी बेटी मुझसे जुदा हो जाएगी, इसलिए कि मेरी बेटी है जो मेरे साथ में रहती है, खाना पीना सारी सारा मेरा गम दुख यही समझती है मेरी बेटी। अल्लाह ने कहा निकाह तो होना है, तो हमारे नबी ने कहा जिब्रील ये भी तो पूछ लो, जब निकाह होना है तो किससे निकाह होना है? तो जवाब में आया, थोड़ी देर में अली घर पे आ रहे हैं, उन्हीं के साथ तुम्हारी बेटी का निकाह होना है। और आए, थोड़ी देर में दरवाजे पर खिटखिटाहट हुई, कौन आ गए? बोलो, आ गए। सुनने जैसा वाकया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों आए? कहा आपकी बेटी के साथ निकाह हो जाए तो अच्छा होगा। हमारे नबी की जुबान से निकला, अली तुम आए नहीं हो, आज तुम्हें मेरे अल्लाह ने भेजा है, मैं लेकिन अपनी बेटी से बात तो कर लो। देखो ये शरीयत का कानून है, बेटी से बात करना जरूरी है, बेटी से बात तो कर लो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चले गए, हमारे नबी गए। उस वक्त फातिमा रोटी बना रही थी। बोलो, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोटी पका रही थी। अल्लाह के रसूल पाक आसम गए, इसने प्यार से अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, बेटी तेरा निकाह करना है, बेटी तेरा निकाह करना है, तू तैयार है? बेटी तेरा निकाह करना, तू तैयार है? हजरत फातिमा उस वक्त रोई है, रोते रोते कहा, ये सवाल तो हर माँ अपनी बेटी को पूछती है, ये सवाल तो हर माँ अपनी बेटी को पूछती है। हमारे नबी ने कहा, हाँ तेरी माँ खदीजा नहीं है, तेरी माँ खदीजा नहीं है, मैंने तो तुझे इस तरह बड़ा किया कि माँ भी मैं बना, अब्बा भी मैं ही तेरा बन गया, मैं पूछ रहा हूँ बेटी निकाह करना। तो हजरत फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो हमारे नबी ने फरमाया अली से निकाह करना है। किससे निकाह करना? अली से, तुम्हारी मर्जी है? हजरत फातिमा ने कहा मेरी क्या मर्जी, अल्लाह रसूल की जहां मर्जी वहां फातिमा की मर्जी। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह रसूल की जहां मर्जी। तो बस हमारे नबी की जुबान से निकला, जिब्रील आए थे, उन्होंने अली का नाम लिया, तो हजरत फातिमा फरमाती मेरे अब्बा मुझे क्यों पूछते हो, जब अल्लाह ने फैसला कर लिया तो अल्लाह की बंदी को क्या हक पहुंचता है। बस फौरन हजरत अली को बुला लिया। बोलो, फौरन हजरत अली को बुला लिया और फरमाया मेहर क्या दोगे मेरी बेटी को? मैं मेहर भी तो जरूरी है ना। हजरत अली ने कहा लैसा इंदी शही, कुछ नहीं मेरे पास, मेरे पास कुछ नहीं। आप सच बताओ, अगर नबी चाहते तो अपनी बेटी का सबसे मालदार घराने में निकाह करवाते, और बड़े से बड़ा मालदार। और आपको मालूम है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मदीने के मालदार थे, वो भी निकाह का पैगाम लेकर आए थे। आपको शायद नहीं मालूम होगा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी फातिमा का निकाह का पैगाम लेकर आए थे। अल्लाह के रसूल ने यह कहकर जवाब दिया मेरी बेटी है, इनका निकाह जमीन वाले तय नहीं करेंगे, खुद अल्लाह तय करने वाला है। और अल्लाह ने किन के साथ तय कर दिया? हजरत अली के साथ निकाह तय कर दिया। अब हमारे नबी ने हजरत अली को बुलाया, कहा कि फातिमा के साथ निकाह की बात हो गई, मेहर हिंदी शही मेरे पास कुछ नहीं। हमारे नबी ने कहा कुछ है नहीं, और निकाह की बात लेकर आए थे? कहा अल्लाह के रसूल मैं तो सिर्फ पैगाम लेकर आया था, आप बोलेंगे तो मैं इंतजाम करूंगा। हमारे नबी ने कहा कुछ तो होगा, तो कहा एक जीरा है, और वो हजरत अली की बहुत मजबूत जीरा थी, बहुत मजबूत जीरा थी। कहा जाओ अली इसको बेचकर आओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेचे,
450 दिरहम आए, 450 दिरहम आए। तो पूरे लाकर दे दिए कि अल्लाह के रसूल ये मेहर के पैसे होंगे। हमारे नबी ने कहा ठीक है अली जाओ, मैं फातिमा से बात करूं। मेरे प्यारो, हमारे नबी फातिमा के पास आए और फातिमा को आकर कहा कि अली भी तैयार है, तुम भी तैयार हो, मैं अली की तरफ से भी वकील बनूंगा, तुम्हारी तरफ से भी वकील बनूंगा। अब मेरे को ये बताओ मेहर 450 दिरहम आए हैं। ए मेरे प्यारो, फातिमा रोई का मुझे मंजूर नहीं, ला अर्जा भी हारा, ये मुझे मंजूर। हालांकि 450 दिरहम आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगाएंगे, इसी का नाम मेहरे फातिमी है। बोलो इसी का नाम मेहरे। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया ला अर्जा भी हारा, ना अब्बा नहीं चले, 450 दिरहम नहीं चले। हमारे नबी के तो जैसे बदन मुबारक कांपने लगा। कहा फातिमा ये मेहर नहीं चले, चलो अली बहुत गरीब है, मैं अपनी तरफ से इंतजाम कर दूंगा, तुम्हारा मेहर 700 दिरहम होगा। कितना होगा? हजरत फातिमा बहुत देर तक रोई, ला अर्जा पिहा, नहीं चले 700 दिरहम न चले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और थोड़ा मेहर बढ़ाया और कहा बेटी अब इससे आगे तो मेरी भी ताकत नहीं है, इससे आगे मेरी भी ताकत नहीं, हमारे घर में भी फकरो फाका। हजरत फातिमा ने कहा लाड़ा भी आता, ये भी मुझे नहीं चलेगा। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फातिमा अब तुम्हारी मर्जी। तो सुनना, हजरत फातिमा ने कहा अब्बा क्यों मेरा मेहर बढ़ाते जा रहे हो? सबसे पहली बात मुझे मेहर बताने की जरूरत क्या है? 450 फिर बढ़ाया, फिर क्यों बढ़ा रहे हो? वो मेहर क्यों नहीं मिलता मुझे जो मैंने अल्लाह से मांगा था? मैंने अल्लाह से बहुत पहले मांगा था कि अल्लाह तेरी बंदी फातिमा का जब भी निकाह हो मुझे मेहर में ये चाहिए, वो मेहर मुझे क्यों नहीं मिलता? मुझे कभी 450, कभी 550, कभी 650, कभी 750, ये क्या बताया जाता? वो फातिमा ने चिल्ला कर रो कर कहा अब्बा अल्लाह को कहो कि मैंने जो मेहर मांगा वो मुझे दे दे। हजरत जिब्रील आए, कौन आए? हजरत जिब्रील आए और कहा अल्लाह के फातिमा को कहो मत रो, मत रो, हमने मेहर दे दिया, हमने वो मेहर दे दिया, अब अली ने जो तय किया है वो ले ले मैं, बाकी उन्होंने जो मेहर मुझसे मांगा था वो मैंने। तो हमारे नबी ने जिब्रील को कहा कौन सा मेहर मांगा था मेरी बेटी ने, कौन सा मेहर मांगा था? हजरत जिब्रील ने एक पर्ची दे दी जो किसकी तरफ से आई थी, अल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में वो चमड़े का टुकड़ा था, दे दिया। उसमें क्या लिखा था मालूम? ये लिखा था हजरत फातिमा की तरफ से लिखा था। लिखने वाला कौन? अल्लाह। क्या लिखा था? कि तुम्हारी बेटी फातिमा है ना आपसे बहुत मोहब्बत करती है। उस चमड़े के टुकड़े में लिखा है कि तुम्हारी बेटी फातिमा तुमसे ए प्यारे नबी बहुत मोहब्बत करती है, आपको जैसे मक्का वालों ने सताया, आपको जिस तरीके से आपने भूख बर्दाश्त की, आपने पेट पर पत्थर बांधे, आपकी बेटी ने एक एक घड़ी को देखा है, आपको बदर का मैदान, उहद का मैदान, आपकी बेटी को सब याद है। आपकी बेटी ने सजदे में रो रो के मांगा था अल्लाह अल्लाह मेरे फातिमा का जब निकाह हो मेरा मेहर ये होगा कि उसके बदले में मेरे नबी की उम्मत को जहन्नम से आजाद करा देना। उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था, अल्लाह कहता है जाओ तुम्हारी बेटी को कह दो अनातिका अनातिका उम्मतका मिनन्नार, उस पर लिखा था अनातिका उम्मतका मिनन्नार, जाओ बेटी को कह दो जो अली मेहर देते वो ले लो, बाकी अल्लाह ने फैसला कर लिया कि आपकी उम्मत को अल्लाह जहन्नम से आजाद कर देगा।